देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको हार्मिंग साउंड मिल रही है पर फैन नहीं घूम पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वाइल ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, हर चीज ठीक होने के बावजूद भी आपका जो फैन है वो नहीं घूम रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब क्वाइल ठीक ही है, कैपेसिटर ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब सीधा सीधी बात है कि ये काफी दिन बंद पड़े रहने के चलते ये जाम हो गया है। ठीक है, देखिए मैं ये घुमा रहा हूँ तो पूरा फैन घूम रहा है, जबकि यहाँ से घुमाने पे सिर्फ ऊपरी वाला पोर्शन घूमना चाहिए जो कि बहुत हार्ड घूम तो रहा है लेकिन बहुत हार्ड घूम रहा है। ठीक है, बहुत हार्ड घूम रहा है जिसके चलते आपको ये दिक्कत आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हल्का सा यहाँ से तेल डाल के देखिए, यहाँ पे हल्का सा इस पोर्शन में तेल डाल के देखिए, मशीन ऑयल डाल सकते हैं आप। ठीक है, डालने से अगर फ्री हो जाता है, घूमने लगता है तो ठीक है, अगर फ्री नहीं होता है ठीक है, तब आपको मैं बताता हूँ बैरिंग इसका खोलकर उसको क्लीन करके फिर से ग्रीसिंग करके लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नया बैरिंग डालना तो फिर आप नया बैरिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई अलग से आपको ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं होगी, नया बैरिंग में ऑलरेडी ग्रीस लगी हुई होती है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। स्टार्टिंग करेगा, फोर्स लगा होगा वो दिखा दिया। देखिए मैं सबसे पहले कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ आपको, कैपेसिटर में स्पार्किंग होनी चाहिए, तो स्पार्किंग है ठीक है। ठीक है, कैपेसिटर कम का है, 2.25 सवा दो का है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। अब देखिए क्वायर को मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वायर में आपको मैं कॉमन वीडियो कॉमन वायर जो है उसको कैसे फैन का इस पे वीडियो बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कॉमन वायर कौन है, लेकिन जनरली रेड वायर जो कॉमन होता है। ठीक है, आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगाइए, मल्टीमीटर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं ठीक है, तो मैं वीडियो डाल चुका हूं और ये ऊपर जो आई आइकॉन आएगा उस पर मैं इसका दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए कॉमन वायर ये हो गया, इससे यहाँ का कनेक्टिविटी एकदम अच्छा है, लगभग 200, ये भी लगभग 200 अच्छा है, कनेक्टिविटी ठीक है, कैपेसिटर ठीक है, फिर भी नहीं चलने का एकमात्र कारण है पंखे का जाम होना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, उसके बाद ये तीनों जो एक एक करके स्क्रू दिया हुआ है, एक दो तीन, ये तीनों को आपको खोलना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूँ कि पंखा कैसे खोलना, बहुत दोस्त का ये कमेंट आता भाई पंखे को खोले कैसे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, स्क्रू जो लगा होता है इसको खोलिए आप अच्छे से, फोर्स थोड़ा सा टाइट कर, बहुत दिन बाद अगर फर्स्ट टाइम खोल रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, अगर ये नहीं हुआ तो ये जो छोटा है इसको और बड़ा चौड़ा वाले पेचकस से आप खोलें। शुरू में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद एकदम फ्री हो जाएगा। शुरू का जो है झटका से लगाइए, ठीक है, केयर से और झटका से, और ये भी ध्यान देना है कि ये छटके नहीं, छटक के आपको चोट न लगे, मतलब स्लिप करे या आपको चोट न लगे उसका भी आप ध्यान दें। आपको जो एक एक है वो सब खोलना है, ये जो डायना के लिए होता है। ठीक है, हो गया, इतना हो जाने के बाद हल्का सा पेचकस से आप ऐसे जहां भी आपको गैप दिखे, ठीक है, जहां भी आप पहले गैप दिखे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप मिल जाएगा आपको, उसी गैप में आप इसको डालिए आराम से और ऐसे करते जाइए। ठीक है, खुद से ये निकल गया। ठीक है, अब देख पा रहे हो किस इस कितना इसमें कार्बन और क्या क्या जंक, ठीक है, ये मॉइस्चराइज उठा लेने के कारण सब ऐसा हुआ है, अच्छा खासा इसमें डस्क है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इसको भी निकाल लीजिए आप, इसको निकालने के लिए आपको यहां से खोलिए। ठीक है, आराम से इसको ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये भी निकल गया। अब आप देखिए आप क्वाइल जो है तेल डाला गया था पहले, ठीक है, तो उतना से काम नहीं चला। ठीक है, चलना भी नहीं चाहिए था, इतना ज्यादा डस्क था इस पर, देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार फिर से जब इतना ज्यादा इसमें डस्क दिख रहा है तो कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए मीटर को, और ये
तीनों पे लगा दीजिए, तीनों या किसी पे लगा सकते, बॉडी पे चेक कीजिए, बॉडी पे कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करना चाहिए, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, यानी ठीक है बॉडी से कोई शॉर्टिंग नहीं। क्या होता है इतना डस्ट ये सब दिख रहा है तो ये भी हो सकता है कि जो पत्ती लगी हुई है ठीक है ये टूट टूट कर यहाँ पे गिरी हुई है, और जब पट्टी टूट के हट जाएगी वहां से तो इसका जो है शॉर्टिंग करंट जो है लीक होने लगेगा बॉडी के थ्रू पूरे बॉडी में कर डाल, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी में भी करंट नहीं आ रहा आपका। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रख दीजिए स्टार्टर को, अब इसको भी आप निकाल सकते हैं ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है बैरिंग देखिए आपका फ्री होना चाहिए ठीक है, ये बहुत जाम बैरिंग है, ये बैरिंग जो है बहुत जाम है 62.01 जो नीचे लगा होता है, और ये ऊपर वाला भी बैरिंग, दोनों बैरिंग बहुत जाम है। तो आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है तो आप क्लीन कर लीजिए, दूसरा डालना है तो दूसरा डाल लीजिए। कैसे क्लीन करके डालना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ ठीक है, और दूसरा डालना है तो आप उसको तो डाल ही सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालना होगा, दोनों को, इस दोनों को निकालना होगा, उसके बाद इसको क्लीन करना होगा। इसको निकालने के लिए नीचे होल नहीं है, नीचे अंदर कोई होल नहीं है ठीक है, तो आपको क्या करना है बैरिंग पुलर का मदद लेना पड़ेगा ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैरिंग पुलर हुआ ठीक है, इस पोर्शन को आपको अंदर ऐसे डाल देना है, उसके बाद एक पत्ती होती है एकदम बीच में इसको डालना है ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाते जाइए अभी लगे फंस गया है, उसके बाद से आपको हो गया, अब इसको आस्ते आस्ते ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कभी कभी, कभी कभी ये आसानी से निकल जाता है। देखिए बैरिंग निकल के इसी में आ गया ठीक है, अब आपको क्या करना है इसको खोल देना है, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा जाम है बैरिंग ठीक है। तो इस सबको आपको क्लीन करना ठीक है, इस सबको आपको क्लीन करना है, अगर इसे नहीं निकल पा रही है तो हल्का सा आप ठोकेंगे कहीं भी उल्टा करके तो ये आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, ये बैरिंग निकल गया, अब आपको ये बैरिंग भी निकालना है, ये बैरिंग निकालने के लिए किसी भी चीज से ऊपर से हल्का सा चोट मारिएगा तो वो निकल जाएगा। इसको ऐसे ऐसे हाथ लगा झटका से आप खींचे ये निकल जाएगा ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, मैं बताता हूँ इसको भी क्लीन करना है, इस पोर्शन को भी क्लीन करना है ठीक है। क्लीन करने के लिए आप किसी कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लें, हल्का फुल्का स्ट्रेस का जरूरत पड़ता है, एमडी पेपर जिसको आप बोलते हैं उससे भी कर सकते हैं। और रहा बात बैरिंग का, बैरिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ग्रीस को आप ऐसे भी पहले हटा दीजिए ठीक है, बाद में हम लोग ग्रीस अप्लाई किया जाएगा, तो अभी जो एक्स्ट्रा ग्रीज है उसको हटा दीजिए ठीक है। कोई भी ऑयल जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल या थिनर, उसका भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप हल्का भी डालें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। दो चार मिनट जब इसमें फूल जाए, उसको 5 मिनट लगभग फूलने के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आपको क्या करें, जब तक ये फूलेगा तब तक आप किसी कपड़े से इसको इसमें भिजाकर ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे ऐसे पूरा पूरा क्लीन करना है ठीक है। जहां भी आपको दिखे कि कुछ कार्बन जैसा जमा हुआ दिख रहा है उसको एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ कर लें ठीक है, पूरे इसको प्रॉपर तरीके से साफ कर लें। और जब तक उसके बाद आप बैरिंग साफ करेंगे तब तक आप इसको स्टार्टर को धूप में रख दें, स्टार्टर को हुआ और ये रोटर हुआ, बॉडी हुआ, सबको अच्छे से साफ करके, इसी से आप साफ कर सकते हैं इसको भी, इसी से इसको साफ करके ठीक है अच्छे से। मैं थोड़ा साफ कर चुका हूँ फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपको अच्छे से साफ कर लेना है, और हर डस्ट जो भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको आप ऐसे झाड़ दीजिए ताकि फिर दोबारा वापस उसको बैरिंग में जाने का मौका ना मिले। तो इस सब को, स्टार्टर को, बॉडी को, रोटर को स्टार्टर को, बॉडी को, सारे को धूप में आप तब तक के लिए रख दें, धूप में रखना जरूरी है ठीक है। अब देखिए जब अच्छे से फूल जाएगा तो पहले से कुछ फ्री हो रहा है, पहले से फ्री हो रहा है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जाम चल रहा है ठीक है।
पहले से फ्री है लेकिन कहीं 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 जाम फंसा है। तो जहां पे जाम फंसे उसको ऐसे ऐसे बार बार करिए, बार बार ऐसे करिए, उसको धीरे धीरे वो भी साफ होने लगेगा। जहां जा रोके आपको ऐसे ऐसे करना है, फिर थोड़ा सा इसमें डुबाना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं उंगली से रोकने के बाद ये पूरा घूम जा रहा है, तो आप कुछ इस टाइप का चीज ले सकते हैं, कोई भी चीज, जरूर नहीं आप ऐसा ही खोजिए जिसमें ये इतना मोटा कोई फंस जाए, ठीक है, और हल्का ही फंसाए। इसको फंसा के अंदर दबाते हुए इसको ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे अंदर दबाते हुए, ताकि ये पोर्शन रुका रहे और ये मूव करे, और बार बार ऐसे ऐसे जर्क मारे। उससे क्या होगा, आपका जो फंसा हुआ रहता है वो क्लीन हो जाएगा, और इस टाइप में चीज में आपको फंसेगा भी तो आप आराम से इसको इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत फ्री हो गया पहले की तुलना में, पूरे अच्छे से करें, जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पुराने वाले ग्रीस जो इसमें लगा उसको हटा दें, ठीक है। गिर सकता है, आप फोर्स लगाएगा तो थोड़ा बहुत गिर सकता है, उस चीज को आप इग्नोर करें। देखिए काफी हद तक आपका फ्री हो गया वायरिंग, काफी हद तक फ्री हो गया। आपको क्या करना है, और इसका जो भी अंदर का पुराना जो ग्रीस है या फिर डस्ट पार्टिकल हो, इसको आप ब्रश की मदद से भी ऐसे ऐसे पूरा क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको फिर जो नया ग्रीस लगा है वो अच्छे से जगह से लग पाए। पुराना ग्रीस अगर लगा हुआ रहेगा तो फिर नया ग्रीस उस जगह पे नहीं लग पाएगा, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से साफ करें, ध्यान रहे ये लिक्विड आंख में ना जाए। केरोसिन पेट्रोल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, आपका जो भी अवेलेबल है उससे आप इसको इसकी सफाई कर सकते हैं, ठीक है। काफी हद तक ये फ्री हो गया, अब ये देखिए ये भी काफी हद तक फ्री है। जहां पे रोकेगा ऐसे बहुत आप उसको घुमाइए, कभी कभी रोकता होगा तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर इसको बोलिए जब तक आपको लगे कि कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, तब तक आप इसको घुमाते रहिए, जब पूरा फ्री हो जाए, ठीक है, तब आपको इसमें ग्रीस लगाना है। अगर आपके पास आप नया डालना चाहते हैं, देख पा रहे हैं पूरा क्लीन हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। आप नया डालना चाहते हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसमें भी ऑलरेडी ग्रीस लगा हुआ होता है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसको अच्छे से किसी कपड़ा की मदद से साफ कर लीजिए, थोड़ा देर इसको छोड़ दीजिए, ताकि इसमें का जो भी ये जो एसीटोन है, थिनर है, जो भी है, इसमें से निकल के खत्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा देर मैं इसको छोड़ता हूँ, इस अच्छे से जब सूख जाए तो अब इसका भी सफाई कर दें, ठीक है, इसका भी सफाई थोड़ा थोड़ा कर दें। अब आपको क्या करना है, ग्रीस लें, कोई भी ग्रीस, अच्छी कंपनी का कोई भी ग्रीस आप ले सकते हैं, पर हल्का सा आप यहाँ भी लगा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी बैरिंग निकालना हो तो यहाँ पे बैरिंग चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, वायरिंग में ग्रीस लगाना है, वायरिंग की ग्रीसिंग करनी है, ठीक है। अभी फ्री घूम रहा है, अब आप इसको अच्छे से प्रॉपर कुछ नहीं करना, समझिए कि आपको ये गैप पूरा भरते जाना है दोनों साइड से, ठीक है। कुछ ऐसे लगा दीजिए, ये वाला क्लीन जो कर दीजिएगा बाद में, इसी तरह आपको दोनों बैरिंग में लगा लेना है, ठीक है। दोनों बैरिंग में अच्छे से आपको ग्रीसिंग कर लेना है, उसके बाद इस पोर्शन को भी आपको क्लीन करना है। धूप में आप जरूर रखें, उससे क्या होगा कि अगर जो भी नमी वाला होगा इसमें, जो भी नमी बना होगा, मॉइस्चराइज जो भी होगा, सब धूप से खत्म हो जाएगा, और जंग लगने का, जैसे हल्का यहाँ जंग दिख रहा है, उसका कारण वही है, नमी कहीं ना कहीं उसको नमी मिली है जिसके चलते ऐसा हुआ है, ठीक है। हल्का सा इस पे भी लगा दीजिए, इस पे भी, ताकि फ्यूचर में आपको निकालते समय दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है, इसको आराम से पूरा सीधा रखना है, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरे को 62.01 नीचे लगेगा और 62.02 ऊपर लगेगा, ठीक है, एकदम सीधा रखना है, प्रॉपर सीधा रखना है आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी हैमर की सहायता से, ये जो हैमर हुआ, ठीक है,
ठीक है, तो आपको इधर से नहीं, लोहा वाले पोर्शन से नहीं, लकड़ी वाले पोर्शन से ऐसे ऐसे आपको हल्का हल्का, ज्यादा पावर से नहीं मारना आपको, हल्का हल्का हल्के हाथों से मारना है। ठीक है, मैं देखिए अब हल्के हाथों से करके आपको दिखाता हूं। पर स्प्रिंग आप जरूर लगाएं। उसके बाद इसको रोटर को अच्छे से लगाएं और यहां दबा के देख लें स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नीचे ऊपर आ गया, इसको मतलब स्प्रिंग प्रॉपर लगा हुआ है। इसको अब दबा दें अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तीनों वायर को बाहर निकालना है। यहाँ पे आप ये भी सीख जाइए कि इसको बंद कैसे करें सीलिंग फैन को। ये नए दोस्तों के लिए जो पूछते हैं कि भाई इसको कैसे, मतलब खोलने के बाद इसको कैसे बंद करना है, उन दोस्तों के लिए। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया हमको पता है, लेकिन एक एक चीज अगर आप जानना चाहिएगा, एक एक चीज मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, हल्का सा इसको सामने, सब इसको सामने लाके, होल को सामने लाके इसको पूरा दबाएं। उसके बाद अगर फिर भी थोड़ा सा रुकावट डाले तो यहाँ पे हल्का हल्का, बहुत जोर से आपको नहीं करना है, हल्का हल्का डालिए और थोड़ा सा झटका से इसको ऐसे प्रेस करिए, ये बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छे से जब बैठ जाए तो जब आप चेक करिए फ्री है कि नहीं। ठीक है, मैं देखे दिखाता हूँ कितना फ्री घूम रहा है। आइए दोस्तों, तो अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे जैसे तार निकाला वैसे सबको लगाना है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है तो मैं समझा देता हूँ, ये कॉमन है। ठीक है, ये अगर इस तरह आप चेक करना चाहें तो एक वायर को आप इसमें दे दीजिए, मतलब ये कॉमन है, तो इसका एक वायर कॉमन का मतलब इसका रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वायर का तार एक में आके यहाँ आ गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया। उसके बाद जो बज रहा है इस दोनों में से, सबसे पहले इस दोनों में कैपेसिटर दे दीजिए। ठीक है, कैपेसिटर का लिख दे दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ये वाला तार यहां लगाने से फैन सीधा घूम रहा है तो सीधा रन दीजिए, अगर उल्टा घूम रहा है तो इसको यहां से हटा के, सिर्फ इसको यहां से हटा के यहां दे दीजिए। ठीक है, यहां यहां देख लीजिएगा तो जिस डायरेक्शन में घूमेगा ठीक उसका उल्टा यहां देने पे घूमे, तो आप ऐसे जज कर सकते हैं। आपको इस तरह करने से आपको ज्यादा माइंड पे लोड नहीं पड़ेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, और वैसे आपको कनेक्शन करने के लिए मैं बता चुका हूँ, लगभग मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ, तो आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, आप जब भी चेक करें यहाँ पे स्लीप लगा दें, जैसे ये स्लीप जो है यहाँ का मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करें ये सब में स्लीप लगा देने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर चला कर दिखाना है तो मैं चला कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फैन बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है, कोई रुकावट नहीं है। और अब देख पा रहे हैं जैसे आप लॉकडाउन में सामान बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो आप खुद से इसकी बैटिंग का सफाई करके लगा सकते हैं। अगर ये फ्री घूम रहा है, फ्री घूमे थोड़ा सा आवाज करे भी तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाता है आवाज, और थोड़ा सा आवाज भी है और फ्री घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूज कर सकते हैं, बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। काफी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को वीडियो देने के लिए, रोक रोक कर फिर से बनाइए, धूप इतनी गर्मी में फैन रोक कर फैन ऑफ करके काम करना पड़ता है, फिर भी वीडियोज पे उतने व्यू नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए, आपको फायदा ही है ये सब चीज देखने से। आप अपने घर का टेक्नीशियन खुद बन सकते हैं, आपको किसी और से काम कराने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब वीडियो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको और कहीं दूसरे वीडियोज पे टाइम बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा है ये कि आप ये से इस तरह के वीडियो किसी चैनल से देखिए, पर ऐसे वीडियोज देखिए जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे चैनल पे देखिए, आप किसी चैनल पे देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।